मेहता का उल्टा चश्मा। आज वो टप्पू चैन की नींद सोएगा, लेकिन कल उसकी नींद उड़ने वाली है। हाँ, आज तो ये लोगों ने बहुत मजे ले लिए, कल होली में धमाका होगा धमाका। अरे बंटी भी आ गया। आ गया बंटी? हाँ भैया। जो सामान कहा था वो लेकर आया ना? इतना पक्का रंग है कि एक बार किसी को लग गया तो महीनों तक नहीं निकलेगा। कल मैं उस टप्पू की फ्रेंड सोनू को ये कलर लगा के ही रहूंगा। लेकिन गुड्डू भैया, हम अंदर जाएंगे कैसे? डोंट वरी, उसका रास्ता भी निकाल ही लेंगे। कल की होली टप्पू और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी के लिए यादगार होने वाली है। आज होलिका दहन में कितना मजा आया ना, सबने इतनी प्यारी प्यारी कविताएं बोली, आज की रात तो यादगार बन गई है ना। तारक, कहाँ है आप? आपने सुना मैंने क्या कहा? मैं कह रही थी कि आज की रात हमेशा यादगार रहेगी। आज कितना मजा आया है ना? मजा तो बहुत आया, लेकिन कल का क्या? कल का क्या? कल होली है, रंगों का उत्सव है, हम एक दूसरे को रंग लगाएंगे, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे और। रानी साहिबा आपको इजाजत देती है कि कल आप जो खाना चाहे खा सकते हैं। थैंक यू अंजलि, लेकिन मुझे दूसरा टेंशन है। दूसरा? ऑफिस का? डोंट टेल मी कल आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है। अरे नहीं अंजलि, कल ऑफिस में छुट्टी है, मुझे बस गोकुल धाम को लेकर टेंशन है। गोकुल धाम को लेकर क्या टेंशन है? जेठा भाई फिर से कोई आफत में फंस गए। नहीं बाबा, जेठालाल पर कोई आफत नहीं आई। तो फिर गोकुल धाम पर कोई आफत आने वाली है? अरे गोकुल धाम पर भी कोई आफत नहीं आई है। अरे अगर कुछ नहीं हुआ है तो टेंशन क्या है? यही तो टेंशन है कि गोकुल धाम में कुछ नहीं हुआ। आप ना ये टेंशन करके ना मेरा टेंशन बढ़ा रहे, लेकिन ये मेंशन ही नहीं कर रहे कि टेंशन क्या है। वो मेरा अनुभव। इधर ही खड़े रहकर पहले साफ साफ बताइए। अंजलि मेरा अनुभव कहता है कि जब गोकुल धाम में कोई टेंशन नहीं होता है तो अचानक से बहुत बड़ा टेंशन आ जाता है और सबको बहुत टेंशन हो जाता है। क्या? आप भी ना, ये तो वही बात हुई ना कि काटा कद्दू निकला आलू। बेवजह टेंशन लेते हैं आप। कल ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब शांति से मजे से होली खेलेंगे। ऐसा ही हो तो अच्छा है। ऐसा ही होगा। अब चलिए जल्दी से सो जाइए, कल सुबह जल्दी उठना है, होली खेलना है। यार होली में जला नारियल का प्रसाद खाने का मजा ही कुछ और है। नहीं बाबूजी, हाँ इसीलिए तो देखना मैं तो सो गया था, लेकिन जैसे ही टप्पू ने आके मुझे जगाया और पूछा कि दादाजी होली के नारियल का प्रसाद खाएंगे, तो मैं तुरंत टूट गया। दादाजी आपको पता है आपके जाने के बाद पापा ने भी कविता सुनाई है? पापा दादाजी को सुनाओ ना। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी कहाँ, बाबू जी को सोना है। और मेरी कविता सुनेंगे ना तो रात भर उनकी नींद उड़ जाएगी, मतलब सो नहीं पाएंगे। क्या पापा, आप भी सुनाइए ना दादाजी को। अरे वो सही कह रहा है। नहीं भाई नहीं, अभी कुछ नहीं है, कल सुबह सुनाना। अभी क्या है तुझे? मैं कहा बापू जी, वो तो टप्पू ने बोला कि दादाजी को कविता सुनाइए, मैं तो कल भी आपको कविता सुनाना नहीं चाहता हूँ। क्यों, कल क्यों नहीं सुनाना चाहता है? तुझे सुनाना पड़ेगा। अरे ऐसी बात है तो अभी सुना देता हूँ, उसमें क्या है। अरे नहीं नहीं अभी नहीं सुनना है, तुझे बोला ना अभी सोना है। ठीक है दादाजी आप सो जाइए, कल होली में आज से डबल मजा आने वाला है। अरे डबल नहीं बेटा, ट्रिपल मजा आएगा, इस बार मैं बहुत खुश हूँ। तू इस बार? हर बार खुश नहीं होता है? नहीं, हर बार खुश होता हूँ बाबूजी, लेकिन इस बार विशेष खुशी इस बात की है कि अब तक भीड़े की तरफ से टप्पू की कोई शिकायत नहीं आई है। मतलब कल हम बिना टेंशन के ना मजे से होली खेल पाएंगे।
पापा आपका मतलब है कि हर बार होली में मेरी वजह से टेंशन आता है? आप होली ठीक से खेल नहीं पाते हो? बेटा कितनी बार ऐसा हुआ है कि तेरी वजह से अचूक भीड़े परेशान हुआ है और वो तेरा गुस्सा मुझ पे उतारता है। अबे रेवा देले, अभी मैं कुछ बोलूं? क्या 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 क्या? टप्पू का नाम तो ले ही मत, इस घर में सबसे ज्यादा टेंशन तो तू ही लेकर आता। मैं? और नहीं तो क्या? बापूजी ये गलत है। क्या? जब भी मैं टप्पू को कुछ कहने जाता हूँ आप उसकी तरफदारी करने लगते हैं। माना आप उसके दादाजी है लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ बापूजी, एक दो शब्द कहने का हक नहीं है मुझे। चलो अभी सो जाते, चल चल टप्पू, तू बरादरी। गुड नाइट पापा। तो बैठ, तो बैठ। दादाजी क्या हुआ? वो पापा आपको आपको शुभरात्रि बोलना चाहते हैं। अरे बोलना है तो बोल ले। शुभ रात्रि। चल डब्बू। हाँ। क्या है अब क्या कहना है? कुछ नहीं। अरे तो जा सो जा। जी कमाल है, कुछ तो बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ जाती है। आज क्या हो रहा है, नींद क्यों नहीं आ रही है? भूख लगी है? नहीं, पेट तो भरा हुआ है। एक मिनट, ऐसा तो तब होता है जब कोई टेंशन आने वाला होता है। लेकिन कोई टेंशन तो है ही नहीं। गुड्डू और उसके दोस्त मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सोनू एकदम सही कह रही थी, गुड्डू और उसके दोस्त कल गोकुलधाम सोसाइटी आकर बहुत बड़ा हंगामा करेंगे। एक काम करता हूँ, टप्पू को फोन करता हूँ। होली का फोन? हाँ बोल गोली। या टप्पू सुनना, मुझे ना नींद नहीं आ रही। तो क्या मैं तेरे को अभी लोरी गा के सुनाऊं? अरे नहीं यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे साथ ऐसा तभी होता है जब कोई टेंशन आने वाला होता है। टेंशन? अभी किस चीज की टेंशन? गुड्डू। गुड्डू? अरे क्यों तू भूल गया, आज जब हम लोग रंग खरीदने गए थे तब तूने गुड्डू और उसके दोस्तों को जो सबक सिखाया उसका बदला लेना है, वो लोग कल गोकुलधाम सोसाइटी तो नहीं आ जाएंगे ना? क्या गोली तू भी, तुझे याद है ना हमने उन्हें कैसे सबक सिखाया था? और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे सामने आने की गलती करेंगे। हाँ वो तो है। और अगर गलती की भी तो भी इस बार हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन गोली लेकिन वेकिन छोड़ अभी, और शांति से सो जा। और तू ये सोचना कि कल होली है, होली हम कितनी धूमधाम से मनाएंगे, कितना मजा करेंगे, कितना एंजॉय करेंगे। हाँ यार कल तो बड़ा मजा आएगा, धूम मचाएंगे। और सुन अब तू आराम से सो जा और मुझे भी सोने दे, चल गुड नाइट। गुड नाइट डब्बू। अरे अभी तक कोई नहीं आया। कमाल है, कल रात को तो सब कितने एक्साइटेड थे। क्या वो गोली, तू अभी भी टेंशन में? अरे यार टप्पू, गुड्डू का टेंशन नहीं है लेकिन गुड्डू और उसके दोस्त अगर सोसाइटी में आ गए ना तो यार हमारी होली खराब हो जाएगी।
होली में ऐसा कुछ नहीं होगा गोली, तू रिलैक्स कर। सेफ्टी के लिए सोसाइटी का गेट बंद कर दे। गोली, तुझे सोसाइटी का गेट बंद क्यों करना है? कुछ नहीं सोनू, वो गोली बस ऐसे ही कह रहा था कि गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर से कोई नहीं आना चाहिए होली खेलने। पर होली के दिन तो गोकुलधाम का गेट सभी के लिए खुला होता है ना। ओए आसपास के सोसाइटी वाले भी तो अपने सोसाइटी में आएंगे। हाँ वो तो आएंगे ही, पर फिलहाल हमारी सोसाइटी वाले कहाँ है, कोई दिख ही नहीं रहा। मुलाकात है। गोली टेंशन मत ले, अगर हम लोग टेंशन लेंगे ना तो सोनू भी टेंशन लेगी, और मैं नहीं चाहता कि सोनू की होली खराब हो। क्या हुआ भैया? मेरी होली हैप्पी तभी होगी जब मैं उस टप्पू की फ्रेंड सोनू को कलर लगाऊंगा। गुड्डू भैया पक्का जाना है? पक्का मतलब तू गुड्डू भैया पे शक कर रहा है? भैया शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे उनकी सोसाइटी में घुस के सबके सामने सोनू को कलर लगाना खतरनाक हो सकता है। खतरों से खेलने वाले को ही गुड्डू रंगीला कहते हैं। मेरा प्लान परफेक्ट है। अब गुड्डू भैया लेकिन प्लान क्या है? सुनो, हम लोग बाइक पर गोकुलधाम सोसाइटी जाएंगे, तुम लोग बाहरी बाइक पर मेरा इंतजार करना। मैं अपने चेहरे पर कलर लगाकर अंदर जाऊंगा और उस टप्पू की फ्रेंड सोनू को चटैक से कलर लगाकर पटैक से बाहर आ जाऊंगा, और हम लोग रपाट से बाइक से निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर उन्होंने हमारी बाइक का नंबर देख लिया तो? हाँ भैया। नहीं देख पाएंगे, नंबर तो मैंने पहले ही निकलवा दिए थे। ओ, इसे भी निकलवा देना। जी गुड्डू भैया, लेकिन आप अंदर जाओगे कैसे? तू देखता जा, मैं कैसे अंदर जाता हूँ और कैसे उस टप्पू की फ्रेंड सोनू को कलर लगाता हूँ। बहुत शौक है ना उस टप्पू को हीरो बनकर सोनू को बचाने का, आज मैं उसकी सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा। अभी वो लोग होली की मस्ती में झूम रहे होंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि गुड्डू रंगीला आ रहा है उनके रंग में भंग डालने के लिए। कमाल है, कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। आखिर गए कहाँ सब? तो कल रात के फंक्शन में लेट हो गया था, कभी तो सो तो नहीं रहे सब? नहीं नहीं पिंकू, मेरे पापा तो कभी लेट नहीं होते हैं। हाँ और त्योहार में तो जेठा अंकल भी लेट नहीं होते हैं। तो फिर सब लोग गए कहाँ? एक काम करते हैं, सबके घर घर जाके बुला के लेके आते। चलो एक मिनट फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हमारे साथ प्रैंक होने वाला है। हा? क्या मतलब? मतलब ये कि हम लोग फंस चुके हैं। गया था कि आप सब मिलकर हमारे साथ प्रैंक करने वाले हो। हाँ बेटा, लेकिन डाउट थोड़ा लेट आया। करेक्ट करेक्ट, लेकिन मानना पड़ेगा सरप्राइज तो काफी मस्त दिया है आप लोगों ने। याद है पिछले साल आप लोगों ने मिलके भिड़े अंकल को सरप्राइज दिया था? अरे कमाल है, अभी तो कोई आया कैसे नहीं? ये हैप्पी होली। अरे नाही तर काय, डोक्यात गेला होता कलर माझ्या। अरे पण जाणार आहेत ना होलसेल मध्ये कलर टाकला होता त्याच्या डोक्यात त्या लोकांनी। अरे जेठाला तू मानोगे नाही, अगले चार दिन तक नहाते वक्त अलग अलग कलर का पाणी निकल जाता शरीर से। मैं कितना डर गया था, मुझे कुछ हुआ तो नहीं? तो जैसे पिछले साल तुम लोगों ने भिड़े अंकल को सरप्राइज दिया, वैसे इस साल हमने सोचा कि हम सब मिलकर तुम लोगों को सरप्राइज देते हैं। और अंकल आपने भी हमें नहीं बताया। अरे बुरा ना मानो भाई, होली है। अरे रोशन भाभी,
सुबह से सोड़ी दिखाई नहीं दे रहा है। रात को ना उसके पिंड से फोन आया, इसलिए उसको अर्जेंटली जाना पड़ा। ओ अच्छा, सब ठीक है ना पिंड में? अरे हाँ हाँ, बड्डू बराबर है, तुम्हें चिंता नहीं करो। अच्छा अच्छा, बस 2-4 दिन में आ जाएगा वापस। अरे वाह, फिर तो सोड़ी अपने पिंड में होली मनाएगा। हाँ, मेरे बिना। अरे तो फिर चलो अपना दहली व्रजन शुरू करते हैं। होली मुबारक हो और हम सब होली खेलना शुरू करते हैं। पोपट लाल, अरे बुरा न मानो, होली है। मैं पहले दूर से देखूंगा और जैसे ही मौका मिलता है अंदर जाऊंगा, उस टप्पू को सबक सिखाऊंगा, उसकी फ्रेंड सोनू को कलर लगाकर। और मैं जैसे ही अंदर जाऊं, तुम लोग पैसेज में बाइक रेडी रखना। ठीक है भैया। लेकिन गुड्डू भैया, याद रहे अपनी शक्ल ठीक से छिपा लेना, ताकि कोई आपको पहचान ना सके। कोई नहीं पहचान पाएगा। सॉलिड प्लानिंग की है भैया ने। ऑल द बेस्ट। अरे गुड्डू भैया, एक मिनट, ये क्या कर दिया? अरे भैया, लगना चाहिए आप होली खेल के आए हो। ऑल द बेस्ट गुड्डू भैया। आ गया वो दिन जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। होली खुशियों और मौज मस्ती का त्योहार, इसलिए होली को हमें खुशी और मौज मस्ती से ही मनाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि होली के उन्माद में किसी को परेशानी ना हो। लेकिन इस बार गोकुल धाम में कुछ अलग होने वाला है और गोकुल धाम वासी इस बात से अनजान है कि उनके साथ क्या होने। एक तरफ खुशियों का रंग है तो दूसरी तरफ गुड्डू के बदले का पक्का रंग। अब देखना यह कि गोकुल धाम पर कौन सा रंग चढ़ता है, अमन और प्यार का रंग या फिर गुड्डू के नफरत का रंग। गोकुल धाम की होली जो होगी वो खुशियों भरी होगी या परेशानी से भरी होगी। और दोस्तों, एक विशेष बात, कल होली है। हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि समाज में से बुराई खत्म हो जाए और हम सब एकता के साथ रहे। और दोस्तों,
अब देखना यह है कि गोकुल धाम में आगे क्या होता है, क्या गुड्डू सोनू को रंग लगा पाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सोमवार के एपिसोड में, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।